अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ के बच्चों के लिए 100 वैसे क्वेश्चन को लेके आ चुका हूं जो कि आपके इम्तिहान में डायरेक्टली जो है बिल्कुल हु बहु जो है सेम क्वेश्चन आपको इम्तिहान हॉल में यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को स्किप ना करके पूरा कम्प्लीट वीडियो को देखेंगे। और मेरे द्वारा जो है 5 सेट PDF दिया जा रहा है जिसका पहले जो है फी रखा गया था 350 रुपये, ठीक है, बट उसको भी मैंने कम करके मात्र 101 रुपये में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट्स ये रहेगा कि सर अगर आप ये PDF प्रोवाइड कराएंगे क्या गारंटी है कि आपका PDF से 100% आएगा, तो उसका भी जवाब मेरे पास है। आप लोग जाइए मेरा AS उर्दू एजुकेशन YouTube चैनल का कम्युनिटी पे जाकर देखिए क्लास 12th के बच्चों का कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। सभी स्टूडेंट को जिसको भी मैं PDF प्रोवाइड कराया था सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि मेरा 90+ आ रहा है। और जितना क्वेश्चन आप दिए थे PDF में सारा का सारा क्वेश्चन वही हो बहुत टकराया था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे फिर सब्जेक्टिव का हो। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट को अगर लेना है आज ही मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर डायरेक्टली फोन पे गूगल पे पेटीएम किसी तरह किसी भी माध्यम से पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। नंबर है 9508214760, इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, इसी नंबर पे आप लोगों को सारा दिन पेमेंट करने का भी सुविधा दिया हुआ है। आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए आप लोगों को गलती से भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। देखते हैं आप लोग तो देख जानते ही हैं क्या है शुरुआत में स्टार्टिंग में के सवाल नंबर 1 से 100 तक के हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें 1 सही है 50 सवाल का जवाब दें, ठीक है। सारा जो है आप लोगों को वो MR शीट पे भरना है। चलो आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 1 से, और इसको हम अच्छे से जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से पढ़ने में मजा आ जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है अहमद फराज की वफात कब हुई, और जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में इसमें कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चित रहें बेफिक्र रहें। क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनली राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2009 ईस्वी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का वह कौन सा अफसाना है जो अदबी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ है, तो आपका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। अगर क्वेश्चन यहीं पे घुमा के पूछे थोड़ा सा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का निसाब में कौन सा अफसाना शामिल है तो अफसाना फरार है, बट इस अफसाने की वजह से जो है उर्दू दुनिया में जो है बहुत ही मशहूर और मारूफ हुए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई, तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश की बात करें 1941 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। देखो 4 नंबर सवाल आपके पास हमद खुदाए अजवजल में यकता किसके लिए आया है, तो हमद खुदाए अजवजल में जो है यकता खुदा के लिए ही आया है, यकता यानी अकेला जो है अल्लाह ताला के लिए आया है। और हमद खुदाए अजवजल उनके मुसन्निफ उनके राइटर उनके लेखक की बात करें शबनम कमाली है। 5 नंबर सवाल रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है, इसका सही आंसर की बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाभी जान, रुकैया भाभी, भाभी से ही आपका पता चल रहा है भाभी जान होगा, तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग थोड़ा सा देखेंगे फिर भी याद हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी, तनकीदी किताब जो लिखी थी तो बहादुर शाह जफर की शायरी इस पर जो है तनकीदी किताब इन्होंने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहाँ है, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन की बात करें आपका 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। औरंगाबाद आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को इधर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रखा है खतूत गालिब के मजमुए का नाम बताइए, तो उर्दू मौला और ओदे हिंदी जो है ये दोनों खतूत का मजमुआ किसका है, गालिब का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कौन मशहूर शायर मसफ़ी के शागिर्द थे, तो कौन मशहूर शायर जो है मसफ़ी के शागिर्द थे, आतिश थे, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास ज़िला की जमा क्या होगी, तो ज़िला की जमा होती है अजला, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है, कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख जो है शामिल निसाब है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी कटी हुई शाख, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू की थी, शुरू किया है, तो PDF में इसका आंसर जो है गलत रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 1966 ईस्वी से जो है अफसाना लिखना शुरू कर दिया था कमर जहाँ। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है,
तो अफसाना आशियाना आपके निसाब में निगार अजीम का शामिल है, निसाब अफसाना आशियाना है। और अफसाना फरार की बात करें सैयद मोहम्मद मोहसिन, कटी हुई शाख की बात करें कमर जहां, इसके मुसन्निफ इसके राइटर हैं। और भाभी जान की बात करें तो आपका सोहेल अजीम आबादी। तो सारा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, सारा का सारा ये अफसाना है, अफसाना फरार, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कटी हुई शाख आपका क्या हो जाएगा कमर जहां, आशियाना क्या हो जाएगा निगार अजीम, और भाभी जान सोहेल अजीम आबादी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे पूछ रखा है आशियाना किसकी तखलीक है। देखिए यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, पूछ रखा है निगार अजीम कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, कटी हुई शाख, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है कि आशियाना किसकी तखलीक है, किसका जो है कौन लिखा है आशियाना, तो निगार अजीम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल मैच हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, मजमून आलिम हिद्दत के मजमून निगार कौन है, तो आप अब्दुल मुगनी है, ना ही अख्तर और यूनवी, ना ही वहाब अशरफी, इनमें कोई नहीं आपका, ये जो है एक माखूज है, इनके मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खां, तो इसलिए आप लोग इनका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली थी, तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। 17 नंबर क्वेश्चन, भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है, तो भीमराव और उनकी कौम को जो है अछूत का कौम कहा जाता था, ठीक है। चलो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास, पूछ रखा आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार, अपना बिहार में ही इनकी पैदाइश हुई थी। और जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने ही किया था। 19 नंबर क्वेश्चन, गालिब के कितने खतूत के जो है मजमुए हैं, तो गालिब के टोटल दो खतूत के मजमुए हैं जो के नाम है उर्दू मौला और ओदे हिंदी। 20 नंबर सवाल आपके पास, माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ग्रामर पर्सन बुक पर्सन से, सॉरी ग्रामर पर्सन से जो है इस टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना माजी तमन्नाई का दूसरा। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं माजी तमन्नाई कहते किसको हैं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा सारे स्टूडेंट, माजी तमन्नाई उस माजी को कहेंगे, माजी की अकसाम में से ही एक नाम है माजी तमन्नाई। तो ध्यान रखना जिसमें तमन्ना किया जाए, आरजू किया जाए, ख्वाहिश की जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काश के मैं ये हो पाता, या फिर डॉक्टर बन पाता, या फिर काश के मैं कल वहाँ जा पाता, यानी जिस जुमला या फिर जिस लफ्ज़ में आपको लग रहा है कि इसमें तमन्ना आरजू ख्वाहिश कर रहा है, तो ये जो आपका हो जाएगा माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम जो है माजी शर्तिया है, ध्यान रखना माजी क्या है, नाम है शर्तिया। अब मैं और बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे माजी मुतलक, माजी मुतलक से ही आपका स्टार्टिंग होता है। माजी मुतलक क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर माजी मुतलक कैसा लफ्ज़ होगा आपका, जैसे वह आया, वह खाया, वह दिया, वह लिया, वह सोया, वह उठा, ठीक है, ये सारा आपका माजी मुतलक में होगा। माजी मुतलक का पहचान है लास्ट में आपका दिया, लिया और किया, इस टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद माजी मुतलक से ही थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, सिर्फ है, वह आया, है लगा देंगे, माजी करीब का हो जाएगा, ठीक है। माजी करीब का पहचान लास्ट में आपका हा होगा, क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा, माजी करीब, ठीक है। जैसे वह आया है, वह खाया है, वह दिया है, वह लिया है, वह सोया है, ठीक है। उसी तरह आपका माजी नातमाम को देखेंगे हम लोग, माजी नातमाम से ही पता चल रहा है, यानी ये काम जो है कंप्लीट नहीं है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट, जिसमें इनकम्प्लीट पता चले आप लोग समझ लेना माजी नातमाम होगा, वो काम कंप्लीट नहीं है, ठीक है। माजी नातमाम का पहचान जिसमें काम कंप्लीट नहीं है उसका पहचान क्या है, मैं बता रहा हूँ, जैसे वह जाता था, कंप्लीट हुआ है क्या, वह खाता था, वह पढ़ता था, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, माजी बैद से भी क्वेश्चन आता है, माजी बैद का पहचान है लास्ट में था, थे, थी, बट यहाँ पे माजी नातमाम में भी लास्ट में आ रहा है था, थे, थी, बट ध्यान ये रखना आप लोग माजी नातमाम में काम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे वह जाता था और माजी बैद का पहचान है, तो वह खाया था, वह पढ़ा था, वह लिखा था, वह सोया था, लेकिन अगर माजी नातमाम की बात करें तो वह खाता था, काम कंप्लीट नहीं हुआ रहा, जारी ही है, ठीक है। काम कंप्लीट जिसमें ना हो वह माजी नातमाम, और जिसमें काम कंप्लीट हो जाए लेकिन लास्ट में था है, माजी बैद का पहचान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया यहां से आपका 4 नंबर फिक्स है, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वाकफियत क्या है, तो वाकफियत जो है ये एक सिफत की कैटेगरीज में रख लेंगे इसको, ठीक है ना। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, शिताब की जिद क्या होगी, तो शिताब की जिद होती है आपका क्या होगा, एक बार बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में।
22 नंबर क्वेश्चन है ना भाई, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, दरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिताब की जिद दरंग। 23 नंबर क्वेश्चन है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? मैं एक ट्रिक बताया था, गालिब का लास्ट में है बा, क्या है भाई? बा। तो बा यहाँ पे देखिए, इस बा के बाद क्या होता है? ता होता है। बा के बाद क्या होता है? ता। तो इज्जत, इज्जत का लास्ट में क्या है? ता है। तो गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। और एक नाम है आपके निसाब में ही जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान, उनके वालिदा का नाम क्या है? अजीजुन्निसा बेगम। तो ये दोनों नाम इज्जतुन्निसा बेगम और अजीजुन्निसा बेगम, दोनों नाम जो है मैच हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग समझने के लिए ध्यान रखेंगे कि गालिब के लास्ट में बा आ रहा है, क्या आ रहा है लास्ट में? बा। और इज्जत के लास्ट में ता आ रहा है, बा के बाद क्या होता है? ता। तो गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, ये बात आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, दर्जे ज़ैल में इसमें मारफा कौन है? तो वह नाम जो कि खास हो, वैसे नाम को इसमें मारफा कहते हैं। देख पा रहे होंगे महल में कोई भी महल हो सकता है, ठीक है। नदी में कोई भी, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, कोई भी नदी आ सकता है, कोई भी आम नदी आ सकता है। पहाड़ में भी कोई भी आम पहाड़ आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें मारफा का दूसरा नाम ही है इसमें खास। ताजमहल जो है, ताजमहल से मुराद ताजमहल ही होगा। अगर ताजमहल बोलेंगे तो ताजमहल ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसी तरह अगर हम नदी की बात करें, यमुना बोलेंगे तो यमुना ही होगा। लेकिन नदी बोले तो पूरा दुनिया का कोई भी नदी आ सकता है, पहाड़ बोले तो दुनिया का कोई भी पहाड़ आ सकता है। लेकिन अगर एक पहाड़ को हम खास कर देते हैं, जैसे हिमालय, तो पहाड़ अगर हिमालय बोले तो वो आपका इसमें मारफा होगा। लेकिन पहाड़ सिंपल सा वर्ड से पहाड़ बोले तो आपका इसमें नकरा हो जाएगा। ध्यान रखना, एक होता है इसमें मारफा, एक होता है इसमें नकरा। ये जो दोनों किस्में जामिद की किस्म है, जामिद की दो किस्म होती है, इसमें मारफा इसमें नकरा। इसमें मारफा का दूसरा नाम है इसमें खास, इसमें नकरा का दूसरा नाम है इसमें आम, ठीक है। इसमें मारफा जिसमें खास चीज समझी जाए, इसमें नकरा जिसमें आम चीज समझी जाए। उम्मीद करता हूं ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक भाई अगर आप लोग पढ़ते जाते हैं तो क्वेश्चन जब आएगा ना, बिल्कुल हलवा से आप लोग बिल्कुल ईजी तरीके से बना के आ जाएंगे। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, सूरज ग्रहण का वाक्य इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? तो एक जो है ये तजस्सुस का मौजू बन गया है इंसानों के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ये भी क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में गलत मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, 1836 ईस्वी में नजीर अहमद की पैदाइश हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा जो है ना फहमीदा की बेटी थी, और फहमीदा हमीदा की पूछे तो माँ थी, ठीक है ना। चलो आइए फाइनली क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, बेदी के एक ड्रामे के मजमू का नाम लिखिए। तो किताब में ये भी क्वेश्चन का आंसर गलत मिलेगा, शायद ख्वाबे हस्ती मिलेगा, हालांकि ये गलत है। आपका सात खेल ये जो है बेदी के एक ड्रामे के मजमू का नाम है, सात खेल। एक चादर मैली सी ये जो है बेदी के एक नावल का नाम है, बेदी के नावल पूछ लिया जाए आप लोग बताना। चादर एक मैली सी, और अगर पूछे कि बेदी के एक ड्रामे का मजमू का नाम लिखिए तो सात खेल बताना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बेदी का ये इंटरव्यू कहाँ के लिए जो है सदा बंद किया गया? देखो ऑप्शन है ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो पटना, कोई नहीं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शबनम कुमारी का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रजा पूरा नाम है, ठीक है, मुस्तफ़ा रजा शबनम कुमारी का नाम है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? आपके निसाब में शामिल जो है हमद के शायर पूछ रखा है तो शबनम कमाली हो जाएगा, जो कि आपके निसाब में शुरुआत वाला फर्स्ट चैप्टर में ही हमद खुदाए अजवजल जो लिखा है शबनम कमाली ने। 32 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल अफसाना भावीजान किसकी तख्लीक है? सोहेल अजीम आबादी, काफी इजी क्वेश्चन, दूसरा नंबर चैप्टर से आप लोगों को डायरेक्ट दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में, काफी इजी क्वेश्चन। 34 नंबर इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से ही ये क्वेश्चन आया। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, इंडिया गेट किसकी नज्म है? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लास्ट में दिया हुआ है, निदा फाजली हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 34 नंबर क्वेश्चन का, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इंडिया गेट पूछ रखा है ना, 34 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जगन्नाथ आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 का? ऑप्शन नंबर बी यानी जगन्नाथ आजाद। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद इनाम हुसैन होगा ना। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए, सैयद अहमद हुसैन हो जाएगा, नाम नहीं होगा, सैयद अहमद हुसैन था, ठीक है। परवेज शाहिद के वालिद का क्या नाम था? सैयद अहमद हुसैन, बिल्कुल कंफर्म है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निदा फाजली के शेरी मजमुए कितने हैं? तो निदा फाजली के टोटल शेरी मजमुए जो है 8 या 6 है। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 नहीं है, 6 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 6 है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है?
आपका खराड़ी नार हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए खराड़ी नार। 38 नंबर क्वेश्चन, गालिब का पैदा हुए 1797 ईस्वी, काफी इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 38 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से रेडी हो जाइए आप लोग भी। चलो 39 नंबर क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करें क्या, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। देखो 39 नंबर क्वेश्चन, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे, तो ये जो है शायरी में पहले पहल आपका असद तखल्लुस करते थे, कुछ ज़्यादा ही जुम हो गया था इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा था। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असद हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें से लायक को तलाश कीजिए, थोड़ा सा समझाना पड़ता है इसलिए टाइम लग जाता है। देखो एक होता है साबका, एक होता है लायका। लायका लाम से होता है लायका, देखो लायका क्या है आपका, लाम से होता है लायका, तो लाम से बोले तो लास्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना लायका का पहचान ये है, जिस भी लफ्ज के आखिर में आकर के, यानी लास्ट में आकर के, लाम से लायका लाम से लास्ट होता है ना, लास्ट में आकर के उसका माना को तब्दीली कर दे। जैसे एक लफ्ज है, असल में लफ्ज क्या है यहाँ पे, अकल है, क्या है, अकल, ठीक है। अकल के लास्ट में आकर के मंद ज्वाइन हुआ है, क्या हुआ है, मंद ज्वाइन, अकल मंद, यानी अकल अकल रखने वाला, अकलमंद उसी को कहते हैं जिसके पास अकल हो, ठीक है, जिसके जो के जो के जो इंटेलिजेंट हो या फिर अकलमंद हो, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अकलमंद। तो यहाँ पे पूछ रखा है आपको लाहेका। अब बात करें साबिका, तो शुरू में अगर के जब किसी भी वर्ड या किसी भी लफ्ज का माना को तब्दीली कर दे, जैसे आमद, आमद का शुरू में दर लगा है, दर का मतलब होता है मैं, दर आमद, ठीक है। अब देखो अदब, अदब एक लफ्ज है, शुरू में आकर के बा लगा है, तो बा आपका साबिका वाला लफ्ज, यानी बा अदब साबिका वाला लफ्ज, दर आमद साबिका वाला लफ्ज। अब देखो यहाँ पे ला, ला का मतलब होता है नहीं, हासिल के शुरू में आकर के जो है यहाँ पे ला लग गया, मीनिंग को तब्दीली कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपका ला हासिल ये भी आपका साबिका हो जाएगा। लेकिन पूछ रखा है लाहेका कौन है भाई, तो लाहेका की बात करें आपका ऑप्शन नंबर सी। जिस भी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा इसको दो बार तीन बार देखें, मेरा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंट है, ठीक है। देखो 41 नंबर क्वेश्चन आपके पास, खार का हमसूत लफ्ज क्या है, हमसूत लफ्ज वैसे लफ्ज को कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है, ये क्वेश्चन क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट कह रहा हूँ खासतौर पर, इन लोगों ने छोड़ के आया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमसूत लफ्ज से आसान कोई लफ्ज हो ही नहीं सकता है। देखो खार, और यहाँ पे लफ्ज पढ़ रहे हैं खार, यानी एक लफ्ज तो लिखा जाए अलग अलग, लेकिन प्रोनंसिएशन यानी तलफ्फुज और जो जुबान से निकले एक ही टाइप का, वैसे लफ्ज को हमसूत लफ्ज कहते हैं। जैसे खाक बोलेंगे अलग आ रहा है जुबान पे, खास बोलेंगे अलग आ रहा है, खाब बोलेंगे अलग आ रहा है, लेकिन खार बोलें इस तरह या फिर खार बोलें लेकिन आवाज़ एक ही टाइप का निकल रहा है, वैसे लफ्ज को आपका हमसूत लफ्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जमीर की कितनी सूरतें होती हैं, तो जमीर की टोटल 5 सूरतें होती हैं, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन ऐसी इलाकाई जुबान है जिसकी नज्म और नसर दोनों हमारे निसाब में शामिल है। ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, जो है रोशनी बुक नहीं पढ़ी है, रोशनी बुक से उठाया गया है, मलयालम जुबान हो जाएगा, ठीक है। देखो 44 नंबर क्वेश्चन, इंसान किस जुबान की नज्म है, आपका तेलुगु हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन, नसीम के वालिद का क्या नाम था, तो कमला या फिर गंगा प्रसाद बताओ। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जितने बताए हैं, गंगा प्रसाद कोल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, गजल के पहले शेर को मतला और लास्ट वाला शेर को मख्ता। शुरू में आपका तो आया है, देखना मतला, ठीक है, मतला गजल के शेर को, मख्ता लास्ट वाला शेर को, ठीक है। देखो 47 नंबर क्वेश्चन, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है, अहमद फराज का ताल्लुक पाकिस्तान से है, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, हसन नईम की किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे से ओहदे पर जो है मामूर थे, तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था, तो सैयद साकिब हुसैन, सैयद क्या हो जाएगा, साकिब हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन, 9-11 होने का मतलब होता है आपका भाग जाना। 51 नंबर क्वेश्चन, ये नई गाड़ी है मैं मौसूफ कौन है, तो आपका देखिए यहाँ पे लफ्ज है, असल में ये एक नई और गाड़ी, ये दोनों एक लफ्ज है, ठीक है। ध्यान रखना किसी भी लफ्ज का खूबी या खराबी बयान किया जाए तो वो लफ्ज मौसूफ हो जाएगा। मान लीजिए गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई लड़का का नाम है अहमद, अहमद के बारे में बताया जाए कि अहमद काला है, अहमद गोरा है, अहमद बड़ा है, अहमद लंबा है,
अहमद के अंदर जो भी टैलेंट पाया गया या फिर खराबी पाया गया वो सारा चीज उसका सिफत हो जाएगा, लेकिन अहमद यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बता रखा है यह गारी नहीं है, मैं मौसूफ कौन है, तो मौसूफ जो है आपका गारी हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछता तो आपका ये क्या हो जाता, सिफत हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को पूछ रखा है मौसूफ कौन है, मौसूफ आपका गारी, और सिफत पूछता तो नहीं हो जाता। बट यहाँ पे सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है, कालिदास का किया था, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं, तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 मजमूए। 54 नंबर क्वेश्चन, सलाम मजलिस शायरी के गीतों के एक मजमुआ का नाम लिखिए, तो आपका 3 हीरे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, सचिन अनंत की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है, आपका वह मुलाकात, 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह मुलाकात। 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है, 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेकेंड हैंड। 57 नंबर क्वेश्चन, निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है, इंदिरा गोस्वामी, आपका 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गोस्वामी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, वितराग के किनारे की जुबान की कहानी है, तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती जुबान का। 59 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है, तो रेवाड़ा दरभंगा हो जाएगा ना, 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइनली 59 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, और आइए आगे हम लोग आगे क्वेश्चन को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। 59 हुआ ना, चलो 60 नंबर क्वेश्चन क्या मिट चुका है, चलो 60 नंबर क्वेश्चन है लेकिन नंबर 2 कट गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मैनेज। देखो 60 नंबर क्वेश्चन है, फर्श का फाइल क्या होगा, तो फर्श का फाइल जो है आपका क्या होगा, एक बार बताना आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी बताना। 60 का ऑप्शन नंबर सी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, फराश बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दरअसल में हासिल मजदर कौन है, हासिल मजदर जो है आपका पढ़ाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि फाइल कौन है तो पढ़ने वाला होता, लेकिन यहाँ पे हासिल मजदर पढ़ाई हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखना। 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, खाना खाओ कौन फेल है, जिस क्वेश्चन जिस लफ्ज में भी या फिर जिस जुमला में जिस सेंटेंस में आपका हुक्म जाहिर हो पॉजिटिव में फेले अमर होगा, नेगेटिव में होगा फेले नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव में हुक्म जाहिर हुआ है, खाना खाओ, खाना खाने के लिए हुक्म कर रहा है, फेले अमर हो जाएगा आपका, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, मिजाज की जिद क्या होगी, तो मिजाज की जिद जो है आपका हकीकत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, सवद की जिद क्या होगी, तो जिया हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, तफरीउल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए, तो आपका शहबाद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे, तो सबे रजिस्ट्रार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन, शहबाज की वफात कब हुई थी, 1908 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन, हिंदी किस जुबान का लफ्ज है, हिंदी जो है आपका फारसी जुबान से आया है हिंदी लफ्ज। 69 नंबर क्वेश्चन, सॉरी हिंदी जो है फारसी लफ्ज का जुबान है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, लानत का मुतरादिफ होगा, तो लानत का मुतरादिफ का यानी मिलता जुलता वर्ड, ठीक है, यानी लानत का मतलब भी होता है वही मतलब और मुलामत का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, मुलामत बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, हामिद फारसी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फेल है, आपका सीखता है, देखो फेले हाल हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, फेले हाल, फेले मुस्त, अगर सीखेगा बोलता है तो फेले मुस्तकबिल में होता है, लेकिन फेले माजी में आपका सीखा, लिखा, दिया, सोया वगैरह, ये आपका जो है फेले माजी में होगा। बट यहाँ पे पूछ रखा है कि हामिद फारसी सीखता है, जुमला में सीखता है कौन है, तो फेले हाल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, तारीख की जिद क्या होगी, तो तारीख की जिद जो है, यहाँ देखना वर्ड पर ध्यान रखना, आप लोग डायरेक्ट आप लोग आता होगा लेकिन डायरेक्ट देख करके ऐसे ही निमत मार देना, तारीख कब का क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, यहीं पे अगर तारीख ही दे देता तो रोशनी हो जाता, बट यहां पे पूछ रखा है तारीख की जिद क्या होगी, तो रोशन, तारीख की तो रोशनी, ठीक है ना, इसको डाउट को क्लियर कर लो आप लोग। देखो 72 नंबर क्वेश्चन, जहां भी डाउट हो रहा है, किसी किस्म का दिक्कत हो रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें जरूर। 72 नंबर क्वेश्चन, हुक्म की जमा क्या होगी, तो हुक्म की जमा अहकाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो पटना शहर में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी। 74 नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है, तो इसके अफसानवी मजमुआ का नाम है अनोखी मुस्कुराहट, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलो 75 नंबर क्वेश्चन, आपके पास डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया,
पटना कॉलेज से ही किया था। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 76 नंबर क्वेश्चन है अब डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था, अब्दुल रऊफ नाम था, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल मुगनी ने कितने किताबें लिखी, तो टोटल 20 किताबें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है, तुम कहाँ गए थे, ये कैसा जुमला है, गए थे, मैं आप लोगों को क्या बताया, गए थे तो है लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है तुम कहाँ गए थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन से यहाँ पे सवाल बोले तो क्वेश्चन बोले तो सवाल, देखो तुम कहाँ गए थे, सीधी सी बात है, सवाल या जुमला हो जाएगा, क्योंकि सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, सवाल या जुमला हो जाएगा, ये कैसा जुमला है, सवाल या जुमला है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन, उर्दू को क्या पूछ रखा है, अरविंद कोलकट किस जुबान के शायर हैं, तो अरुण कोलर क्या है भाई, चलो छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, ठीक है, जुबान पे आ नहीं रहा था इसलिए इसको छोड़ दिया। 80 नंबर क्वेश्चन, इबादत की जमा क्या होगी, तो इबादत की जमा आपका इबादत ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 81 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, पूछ रखा है अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई, 1934 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 82 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के वालिद का क्या नाम था, तो भीमबाई नाम था वालिदा, कहना है हाँ वालिदा बोले तो माँ का नाम क्या था। 83 नंबर क्वेश्चन, देखो भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया, 1908 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, ठीक है। देखो 84 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर किंग जो है किसका ड्रामा है, तो आपका आगा हश्र कश्मीरी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आगा हश्र कश्मीरी, ठीक है ना। 85 नंबर क्वेश्चन, बोसाए नम किसका शेरी मजमा है, तो बोसाए नम आपका लुत्फुर रहमान हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, गोरखपुर शहर में पैदा हुए थे, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने स्टूडेंट बी दे रखे हैं बिल्कुल सही था। 87 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी का असल नाम था, तो मेहदी हसन था, इसका असल नाम क्या था, ऑप्शन नंबर ए मेहदी हसन। देखो 88 नंबर क्वेश्चन, मजामीन जो है मेहदी के हम खसूसियात क्या है, तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दिलकशी। 89 नंबर क्वेश्चन, चकपस्त का आबाई वतन कहाँ था, तो फैजाबाद हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद। 91 नंबर क्वेश्चन, किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। मरसिया में जिस किसी की मौत पर जो नज्म कही जाए उसे मरसिया कहते हैं। मसनवी में भी जहन में नहीं आ रहा है, बाकी रुबाई जो है चार मिसरों का शेर को रुबाई कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी फिलहाल किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे कसीदा कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, नज्म बिजली का खंबा किस तरह की नज्म है, तो ये पाबंद नज्म है या फिर आज़ाद नज्म है, बताओ। 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलो ये दोनों में आप लोगों को डाउट रहता है हमेशा, देखना आज़ाद नज्म है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नज्म बिजली का खंबा जो है ये एक आज़ाद नज्म है। 92 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए, तो आपका पहली मसनवी जो है पदमराव है, ऑप्शन नंबर डी। ये हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार लगभग में। 93 नंबर क्वेश्चन, देखो जहरे इश्क किसकी लिखी हुई है, तो जहरे इश्क जो है आपका 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्जा शौक लखनवी का। 94 नंबर क्वेश्चन, शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई थी, 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी। 95 नंबर क्वेश्चन, मसहबी की पैदाइश कब हुई, 1748 ईस्वी में। 96 नंबर क्वेश्चन, अफजल की जमा अफाजिल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी अफाजिल। देखो 97 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, तो मुअन्नस की बात करें मेहरबानी मुअन्नस हो जाएगा, पानी घी और दही ये सारा मुजक्कर है, मेहरबानी जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, देखो आसमान सूरज और चांद ये सारा जो है मुजक्कर है, बट जमीन जो है आपका क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, कैद का मुतरादिफ क्या होगा, तो कैद का मुतरादिफ जो है कैदो बंद बोलते हैं ना हम लोग, कैदो बंद, तो आपका मुतरादिफ जो है बंद हो जाएगा, यानी वर्ड तो अलग अलग है लेकिन माना मतलब जो है एक ही देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, संघ के सही माना होते हैं, तो संघ का जो है माना होता है पत्थर, क्या होता है भाई पत्थर, संघ का मतलब क्या होता है पत्थर, फारसी जुबान का लफ्ज है संघ और संघ का मतलब होता है पत्थर। चलो फाइनली हम लोग 1 से लेकर 100 तक सभी वीवीआई वायरल क्वेश्चन को कवर कर लिए, इसी तरह आपको और भी सेट्स मिलेगा। अगर आप लोगों को चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया है बहुत ज़्यादा फायदा, क्योंकि मैं आपको यहाँ से कुछ एक्सटर्नल अलग से भी मैं आप लोगों को जो है नॉलेज प्रोवाइड कराया हूँ, जो कि ग्रामर पर्सन से इतना क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लिए समझ लीजिए 50 नंबर तो आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। बाकी आप लोगों को आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन के जरिए में मुझे ज़रूर बताना।
फीडबैक जरूर देना, ठीक है ना। मिलते हैं फिर एक अगली लाइव सेशन में, अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना। वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त और मेहनत और मुशक्कत का सामना करना पड़ा है, इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट और अपील करूँगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग।